वो मोनू मानेसर हो या बिट्टू बजरंगी हो, जो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, क्या ये शब्द वाजिब हैं? देश में कभी भी हिंसा होती है, जान माल की हानि होती है, कभी किसी नेता के बेटे को चोट नहीं पहुंचती। मैं मान सकता हूं कि मुसलमान या हिंदू कोई भी दोषी हो सकता है। मैं इनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं कि क्या उनका कारोबार सिर्फ हिंदुओं से चलता है? सिर्फ एक ही काम किया है, देश की जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाने का, देश के लोगों को मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाने का। भाजपा का एक ही मूल उद्देश्य है, सिर्फ देश के लोगों को लड़ाना। ये बजरंग दल वाले और बीएचपी वाले तब कहां चले जाते हैं जब हिंदुओं के बच्चे सड़क पर रोजगार मांग रहे होते हैं और देश की सरकार उनके ऊपर लाठी और डंडे भांज रही होती है। बच्चों को बचाकर रखें, क्योंकि इस राजनीति का शिकार कोई गरीब माँ का बेटा होता है, इस राजनीति का शिकार कोई किसान का बेटा होता है या गरीब मजदूर का बेटा होता है। इस देश में कभी भी हिंसा होती है, जान माल की हानि होती है, कभी किसी नेता के बेटे को चोट नहीं पहुंचती। मैं मान सकता हूं कि मुसलमान या हिंदू कोई भी दोषी हो सकता है, लेकिन आप ये समझे कि पूरा जाति और पूरा समुदाय गलत है, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। इस देश की आज़ादी में भी एक बड़ा योगदान मुसलमानों का रहा, इस देश के अंदर हर एक चीज़ में जब मुसलमानों का योगदान रहा, और ये लोग जो इस देश में फैलाने का काम कर रहे हैं, मैं इनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं कि क्या उनका कारोबार सिर्फ हिंदुओं से चलता है? ये मुझे बताएं, हर एक चीज के अंदर आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी जरूरत होती है। जिस तरीके से इस देश की आजादी से लेकर इस देश को बनाने में आज सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहब के लोगों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन एक ऐसी सरकार जो निकम्मी सरकार है, जो निठल्ली सरकार है, वो ऐसी सरकार जिसने पूरे 10 साल से ज़्यादा कोई काम नहीं किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने कोई कार्य करने का काम नहीं किया, सिर्फ एक ही काम किया है, देश की जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाने का, देश के लोगों को मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाने का। मोदी सरकार से पहले किसी को नहीं पता था कि क्या मंदिर और क्या मस्जिद के बीच मतभेद होता है, क्या हिंदू और क्या मुसलमान के बीच मतभेद होता है, लेकिन जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, भाजपा का एक ही मूल उद्देश्य है, सिर्फ देश के लोगों को लड़ाना। लेकिन जिस तरीके से आज जाटों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है, मुसलमानों के साथ आकर उन्होंने एक इंसानियत का प्रमाण दिया है। जब आज आप और हम दिल्ली के अंदर मौजूद है और आप देख भी रहे हैं किस प्रकार से डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, जो कि महाखाप पंचायत के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने एक ही बात बोली है कि मेवाती हमारे भाई हैं और ये जो हिंसा है ये प्रायोजित है और हम इस हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे, और इन्हीं की राह पर आज पूरा हरियाणा चल रहा है। और हरियाणा को अगर जलते हुए किसी ने बचाया है तो मैं कहता हूँ कि जाटों ने बचाया हरियाणा को जलते हुए। लेकिन जाटों ने बचाया, बाकी जो बजरंग दल के लोग हैं, बीएचपी के लोग हैं, उन्होंने तो जला दिया। ये बजरंग दल, ये बीएचपी वाले कहाँ चले जाते हैं जब हिंदू धर्म की बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले भाजपा के नेता होते हैं? ये बजरंग दल वाले और बीएचपी वाले तब कहाँ चले जाते हैं जब हिंदुओं के बच्चे सड़क पर रोजगार मांग रहे होते हैं और देश की सरकार उनके ऊपर लाठी और डंडे भांज रही होती है? ये बजरंग दल वाले और बीएचपी वाले तब कहाँ चले जाते हैं जब एक भाजपा का नेता देश की बेटी के साथ बदतमीजी करता है? ये बजरंग दल वाले और बीएचपी वाले तब कहाँ चले जाते हैं जब एक भाजपा का नेता विधानसभा में बैठकर पोर्न वीडियो देखता है? तब ये सारे के सारे बजरंग दल वाले गूंगे हो जाते हैं, क्योंकि बजरंग दल वाले सिर्फ उसी मुद्दे में बोलते हैं जिस मुद्दे में हाथ सिर्फ मुसलमान का हो। एक बात आप मुझे बताइए, वो मोनू मानेसर हो या बिट्टू बजरंगी हो, जो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, क्या ये शब्द वाजिब हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों के ऊपर, जिसने पत्थर मारे और जिसने हिंसा को उग्र किया, दोनों के ऊपर आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पत्थर बरसाने वालों पर आप कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए? दोनों पे होना चाहिए। जिसने मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जिनके हाथ में हथियार था, जिनके हाथ में पत्थर थे, जिन्होंने गोलियां चलाई और जिन्होंने हिंसा को भड़काया, सबके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन हरियाणा की सरकार क्या कर रही है? हरियाणा की सरकार सिर्फ बुलडोजर चला रही है, जिस बुलडोजर का रोकने का काम इस देश की न्यायपालिका ने किया है। आज जिस तरीके से लोगों के बीच में नफरत पैदा की जा रही है, आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उठें सोने वाले। आज उठना पड़ेगा उन सोए हुए लोगों को जिन्होंने इस देश की मातृभूमि को आजाद करने का आप भूल गए हैं। इस देश की जब मातृभूमि आजाद हुई थी, तब आजादी के दौरान ना जाने कितनी हमारी बहन बेटियां जो हैं वो विधवा हो गई थी, कितने हमारे भाई शहीद हो गए थे। आज ये मिट्टी दोबारा से गुलाम हो जाएगी अगर आप और हम हिंदू मुसलमान जाति धर्म के नाम पर बट गए। आज से पहले क्या आपको मुसलमानों से खतरा नहीं था? बिल्कुल नहीं था, और मुसलमानों से कभी इस देश को कोई खतरा रहा नहीं है। क्योंकि जब बात कश्मीर की आती है, टीवी चैनल वाले को जो इंटरव्यू दे रहा है तो मिल नहीं रहा,
टीवी चैनल वाले कैसे पकड़ लेते हैं, मतलब कोई आदमी टीवी चैनल वालों को मिल सकता है लेकिन इस देश की आईबी को, रॉ को, इंटेलिजेंस को नहीं मिल सकता। कितना बढ़िया पागल बनाते हैं आप। कह रहे थे कि अंग्रेजों से भारत के लोग लड़े, लेकिन ये तो मुसलमानों से लड़ रहे हैं हिंदू धर्म बचाने के लिए, सनातन धर्म बचाने के लिए। अरे एक बात आप मुझे बताइए, 1947 में ये देश आजाद हुआ, जिनको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए, देश की आजादी के बाद जिसको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए, ठीक है। लेकिन आज जिस तरीके से जो लोग इस देश में रह रहे हैं उनका इस देश पे अधिकार था, अधिकार है और अधिकार रहेगा, और इस देश के मुसलमान से किसी को कोई भी खतरा नहीं है। खतरा है तो भाजपा के बलात्कारी नेताओं से जो देश की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू के ऊपर हाथ डालने का काम करते हैं। तो भाजपा के नेताओं से अपनी बहन बेटियों को बचा के रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।